नमस्ते मित्रों, निसर्ग ऑर्गेनिक फार्म में आपका स्वागत है। आज जो हमने सहजन बोया था, हमने आपको बताया था, तो आज जो है वो सहजन जो है 2 महीने का हो गया है। तो 2 महीने में जो है इसको फ्लावरिंग भी आ गई है और ये इतना बड़ा हो गया है। तो हम जो हमारे फार्म में जो हमने अभी पकिए थे, हमारे दूसरे फार्म में अलग उस तरफ जो है वो पहले सहजन थे, इसके बीज हमने अच्छे जो वृक्ष थे अच्छे सहजन थे इसके हमने बीज रखे थे, उसका बीज हमने यहाँ बोया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ है इसका, और आप ग्रोथ के साथ जो है वो एकदम जो है वो तंदुरुस्त छोड़े, और उसको अभी ही जो आप देख सकते हैं इसको फ्लावरिंग शुरू होने वाला है। तो हमको ये जो है वो 6 महीने में ये दिवाली पे टाइम पे जब इसका रेट 100 रुपये पर केजी होगा तब हमको जो है वो सहजन देगा। तो ऐसे पेड़ है तो उसको एक अभी जब इतना हो जाए, आपसे टक्कर का हो जाए, आपसे बड़ा थोड़ा हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको जो है वो आप देख लीजिए, इसका कटिंग जो है वो कर देना चाहिए, क्योंकि ऊपर का कटिंग नहीं करेंगे तो ये सीधा सीधा ऊपर जाएगा। आप जो है सहजन कम आएगी और आपको उत्साह जो है वो सहजन को उतारने में, ड्रमस्टिक को जो उतारने में बहुत दिक्कत होगी। तो आपको जो है वो इधर आप देख सकते हैं, इसका सीधा लकड़ी है तो उसका एक कॉल है, ये ऊपर आ जाएगा और जाएगा, इसको कटिंग करना है आपको। सिर्फ इतना ही जो है वो आप सभी सहजन का जो है वो इतना ऐसा ये कटिंग कर देना आपको। जब आपके बराबर 6 से 7 फुट का हाइट जिसकी हो जाए तो उसका कटिंग करना। इससे क्या होगा कि ये जो है डाली, ये डाली आप देख सकते हैं इसका कितना भर पाव, ये डाली सब है, ये डाली ग्रोथ होगी और डाली में जो है सहजन ज्यादा बैठेगा। तो आपको 2G 3G कटिंग आपको मालूम है, ऐसे आपको इसको जो है एक कटिंग करना है। तो ऐसे डाल जो आएगी तो 3-4 ये डाल में जितना बैसेगा तो ये भी डाल में बैसेगा, ये भी डाल में आएगा, ये भी डाल में आएगा, तो आपको प्रोडक्शन जो है वो 10-5-6 गुना ज्यादा जो है मिल जाएगा। तो ऐसे कटिंग करना बहुत जरूरी है। जो कटिंग नहीं करते हैं वो बहुत दिक्कत में आते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये दिक्कत में ना आए, आप समझे और इसको कटिंग करें। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा YouTube चैनल जो है सब्सक्राइब करें। नमस्कार।